जो ज्ञानी होता है उसे समझाया जा सकता है, जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, पर जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त समझाता है। कहीं ना कहीं कर्मों का डर है, नहीं तो गंगा पर इतनी भीड़ क्यों है। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत ही नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं सिर्फ शरीर को धोती है। कोई भी कारण हो, कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय करो। आवाज़ से आवाज़ नहीं मिटती, बल्कि चुप्पी से मिटती है। तकलीफ सिर्फ आपको होगी, दुख भी आपको ही होगा। मन शांत रखोगे तो सुख भी आपको ही मिलेगा। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती, और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। अहंकार में डूबे इंसान को ना तो खुद की गलतियां दिखाई देती है और ना दूसरों की अच्छी बातें। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। प्रशंसा चाहे कितनी भी करो, किंतु अपमान बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि अपमान वह ऋण है जो हर कोई अक्सर मिलने पर ब्याज सहित जरूर चुकाता है। वक्त निकाल कर मुझे पढ़ लिया करो, मैं भगवद गीता हूँ, मेरे पास सारे इंसानों की परेशानियों का हल है जो किसी और के पास नहीं है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।